नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं जिससे कि हम लोग एक नए और अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें, क्योंकि अभी तक कभी कभी अच्छे मनुष्य तो होते रहे हैं जिन्होंने समाज को अच्छी दिशा में चलाने के लिए अनथक प्रयास किया है, किंतु अभी तक समाज का सही ढंग से गठन नहीं हो सका है और इसीलिए हर जगह कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ परेशानी हमेशा नज़र आती है, जिसका समाधान होने के बजाय जो समाधान की चेष्टा होती है उससे और कई नई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। इसीलिए एक सामाजिक दृष्टिकोण जिससे कि लोगों के भीतर समाज बनाने की भावना जगे, लोग एक समाज के अलग अलग अंग जो सहानुभूतिपूर्वक स्नेह सौहार्दपूर्ण रह सकें, इस तरह की भावना विकसित हो, इस तरह के लिए हम लोग को प्रयास करना आवश्यक है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं और उसके लिए व्यवहारिक धरातल पर भी प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक नीतिवाद की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, उसी तरह एक सामाजिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा हो जिससे कोई आदमी अपने को उपेक्षित, अवहेलित, हीन दीन, असहाय, बेसहारा नहीं महसूस करे। नहीं तो समाज का अर्थ ही है यहाँ पर एक साथ मिलकर चलने की भावना हो। तो अगर कोई व्यक्ति उपेक्षित, अवहेलित, निरादर का पात्र अपने को समझता है तो निश्चित रूप से समाज देह में कोई न कोई रोग आ गया है, उस रोग को दूर करना जरूरी है। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण हमने चर्चा किया था, नारियों के प्रति जो नारियों को एक ऐसे ही मर्यादा दी जाए। उसके बाद हमने यह भी चर्चा किया कि किस प्रकार जो समाज में शिक्षित और अशिक्षित का भेद है, कि कोई पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ लोगों को अपने बात करने के योग्य भी नहीं समझता है, तो इस तरह का मनोमालिन्य, इस तरह के मन के भीतर जो मनोग्रंथि है उसको हटाना आवश्यक है, ताकि समाज में सबको एक साथ मिलकर चलने की भावना जग सके और सभी एक दूसरे के सहायक हो सके। उसी तरह से समाज में अभी हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न नहीं हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनको भी बड़े बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है, और जो कम से कम अच्छे धन वाले हैं, सुखी संपन्न हैं, वे तो उनको सोचते हैं कि यह तो नारकीय जीव हैं, ये तो हमारे साथ बैठने के योग्य भी नहीं हैं, इनसे बातचीत कैसे किया जाए। तो यह जो एक भेद है गरीब और अमीर का, ये समाज के भीतर बहुत बड़ा तनाव पैदा किए रहता है, क्योंकि जो धन है वो धन कुछ लोगों के पास तो अच्छी मात्रा में संग्रह हो जाता है और उससे वे अपने को अधिक सुखी और संपन्न मानते हैं, लेकिन इसका परिणाम एक यह भी होता है कि अधिकांश लोग दुखी रहते हैं, अधिकांश लोग गरीब रहते हैं, अभावग्रस्त रहते हैं। आज जो हम समाज में तरह तरह की जो आर्थिक समस्याएं देख रहे हैं, एक आर्थिक न्याय का अभाव देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि आर्थिक विषमता बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसा नहीं है कि इसको दूर करने के प्रयास नहीं किए गए हों, लेकिन अभी तक वे प्रयास सफलीभूत नहीं हुए हैं, और गरीब और अमीर की खाई हमेशा मौजूद है और ये खाई बढ़ती ही जा रही है, जिसका कोई अभी तक निदान नहीं ढूंढा जा सका है। तो इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, कि जो व्यक्ति दिन भर काम करके, परिश्रम करके धन कमाता है, अपना परिवार चलाता है, और वह निश्चित रूप से धनवान नहीं है, लेकिन वो हमारी तरह ही एक मनुष्य है, और उसके साथ भी उसी तरह सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए जितना किसी धनवान व्यक्ति के प्रति या साधन संपन्न व्यक्ति के प्रति होता है।
लेकिन एक गरीब होना ही एक बहुत बड़ा अभिशाप आज के समाज में हो गया है। गरीबों को जो साधनहीन है, जो संपन्न नहीं है, उनको तो आज कोई महत्व ही नहीं मिलता है। वो सोचते ये सोचा जाता है कि उसके भाग्य में ही लिखा है, उसने ऐसे कुकर्म किए होंगे पिछले जन्म में जिसके कारण उसको आज ये फल भोग करना पड़ रहा है। तो इस तरह की मानसिकता जो है मनुष्य के प्रति, यह एक सही स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है। वह पिछले जन्म में कोई गलत काम किया होगा और इसीलिए उसका आज ये फल भोग रहा है। इसके लिए लोग गीता का भी उदाहरण देते हैं, भगवान कृष्ण के वक्तव्य को कोट करते हैं, किंतु यह सही सोच नहीं है। उसने गलत काम किया होगा, उसका दुख भोगना है उसको, ये बात सही है। लेकिन दुख भोगना अभावग्रस्त होकर ही, आर्थिक रूप से विपन्न होकर के ही दुख भोग करना है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। ऐसा न कोई ग्रंथ कह रहा है, न कोई आवश्यक बात है। हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसी तरह अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन उसको गरीब होकर के, बेरोजगार होकर के, अभावग्रस्त होकर के, विपन्न होकर के, दीनहीन होकर के ये कष्ट भोग करना हो, ये जरूरी नहीं है। ये मानसिक स्तर पर भी हो सकता है। जैसे कोई गरीब नहीं है, अमीर ही है, तो क्या उसको कष्ट नहीं होता है? उसका बेटा अगर मर गया, उसकी पत्नी बीमार हो गई, या वो स्वयं ही कोई बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो क्या उसको कष्ट नहीं होता है? तो इसीलिए गरीब होना पिछले जन्म के कर्मों के कारण है, ऐसा सोचना बिल्कुल ही अन्याय संगत है या न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जब हम सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो परमात्मा ने, परम पिता ने, परम सत्ता ने, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वहाँ कहीं भी उनमें हम भेदभाव नहीं देखते हैं। हवा उन्होंने नहीं कहा कि यह इस जाति के लिए, उस जाति के लिए है, इस मजहब के लिए, उस मजहब के लिए है। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, जल सबके लिए है, आकाश सबके लिए है, आग सबके लिए है। आग पर अगर कोई, जिसको कहा जाता है छोटी जाति, नीची जाति, अगर वो चूल्हे पर अगर कोई बर्तन में जल चढ़ाए, तो क्या वो गर्म नहीं होगा? और अगर कोई ऊँचे परिवार का, अच्छे पैसे वालों परिवार का या अच्छे खानदान का जो मानते हैं, वो चढ़ाएंगे तो गर्म होगा? और गरीब या पापी, पापी भी, गरीब की बात छोड़ दें, हम मैं तो कहूँगा कि जिसको पापी भी समझते हैं, अपराधी समझते हैं, वो अगर अग्नि पर जल को गर्म करना चाहेगा, तो अग्नि गर्म नहीं करेगा, वो किसी का भी करेगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी चीज़ें परमात्मा ने बनाई है, वो सबके लिए बनाई है। वो किसी खास मनुष्य, किसी खास समुदाय, किसी खास देश, किसी खास क्षेत्र के लिए नहीं बनाई है। तब हम जो इस तरह से अमीरी गरीबी की जो स्थिति देखते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक उसके कारण में नहीं जाएंगे, तब तक उसका निदान भी नहीं सही पाते हैं। अब बीमारी है, मान लीजिए बुखार है, मलेरिया से भी है, टाइफाइड से भी है, आमाशय पेचिस डिसेंट्री से भी होता है, कई तरीके से बुखार होते हैं। अब टाइफाइड का बुखार है और उसको मलेरिया की दवा दी जाए, तो कभी ठीक नहीं होगा। पेचिस की बुखार है और उसको टाइफाइड के बुखार की दवा दी जाए, तो भी नहीं ठीक होगा। अर्थात जब तक कारण नहीं हम जानते हैं और उस सही कारण का निवारण नहीं करते हैं, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो यह जो अमीरी गरीबी का मनोभाव और यह स्थिति, ये दोनों कैसे है, इसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण यह है कि हम जो कुछ भी समाज में पाते हैं, जो भी धन है, संपदा है, रिसोर्सेज हैं, वे सभी सीमित हैं। पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि एक आदमी की तृष्णा को दूर कर सके। इतनी बड़ी तो जरूर है कि सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के भी वो तृष्णा को, उसके लालच को, उसकी आसक्ति को, उसके मोह और ममता को वो दूर कर सके,
यह सामर्थ्य इस पूरी पृथ्वी की संपत्ति देने पर भी किसी की खत्म नहीं होने वाली है। इसीलिए यहाँ पर यह सोचना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं हो। तो जैसे मान लीजिए 10 रोटी है और 10 व्यक्तियों को खाना है, उसमें एक व्यक्ति ही अगर 9 रोटी ले लेता है तो बाकी 9 व्यक्तियों को एक रोटी में जीवन गुजारना है तो कैसे गुजारेंगे? आपस में मारा पीटी होगा, झूठा झूठी होगा, एक दूसरे को छीना झपटी करेंगे और कोई भी जो है सुख से नहीं रह सकेंगे, किसी का पेट भी ठीक से नहीं भरेगा। कहने का मतलब है कि जब संपत्ति सीमित है, संपदा सीमित है, तो उसको असीमित संग्रह का अधिकार नहीं दिया जा सकता है जो आज के समाज में है। किसी भी हम देश में देखते हैं वहाँ पर संपत्ति संग्रह की कोई सीमा नहीं है। तो जब संपत्ति संग्रह की सीमा नहीं है तो जब एक तरफ संपत्ति के पहाड़ खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ गरीबी की खाई भी खड़ी हो जाती है और इसीलिए समाज के भीतर में अंतर द्वंद अंतर कलह चलता रहता है। तो इसीलिए मूल कारण ये है कि हमारी समाज व्यवस्था ऐसी है जिससे कि लोगों को सही रूप से उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और जो हर व्यक्ति को जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा हर व्यक्ति को चाहिए, अमीर को भी चाहिए तो गरीब को भी चाहिए। अब एक गरीबी रेखा चलती है, हम देखते हैं हमारे देश में भी है, विदेश में भी, हर जगह एक गरीबी रेखा है। भारतवर्ष में क्या है कि 32 रुपया जो दिन भर में खर्चा कर सकता है तो उसको गरीबी रेखा पर कहते हो, गरीबी रेखा है 32 रुपया, गरीबी रेखा है। और 32 रुपया से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, अब 32 रुपया से ऊपर एवव पॉवर्टी लाइन। अब 32 रुपया में आदमी क्या कर सकता है एक दिन में, आप सोच सकते हैं, खाएगा या कोई दवा, बीमार है तो दवा लेगा या कुछ पौष्टिक आहार लेगा, या आप सोच लीजिए मकान में रहता है तो उसका किराया भरेगा, अगर टेलीफोन मोबाइल चलाता है तो उसका कुछ पैसा लगेगा, क्या कर सकता है 32 रुपया में, आप सोचिए। और कोई व्यक्ति, हम ऐसे ऐसे धनवान हैं जो एक दिन में 1 करोड़ या 5 करोड़, 10 करोड़ तक की कमाई करते हैं। अब सोचिए 10 करोड़ की कमाई और 32 रुपये की कमाई, एक दिन की बात मैं कह रहा हूँ, तो वह तनाव नहीं होगा, जबरदस्त तनाव होगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या ये 32 रुपया वाले लोगों की है। तो जो ज़्यादा संख्या में है, जब उनसे नहीं बर्दाश्त होता है तो भड़क उठते हैं और वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं कि यार मरना ही है तो मारो, छीनो, लूटो, जिससे अपना पेट भरे। तो इसीलिए अस्तित्व की जो गारंटी है, इसको कोई भी विश्व का संविधान और विश्व की समाज अर्थव्यवस्था नहीं देती है, कोई भी नहीं देती है। प्राउटिस जी को देता है कि हर व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो। ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम जरूरत है अस्तित्व के लिए, जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू, ये प्राउड सबको ग्रांट करता है। इसके साथ साथ प्राउड का यह भी कहना है कि अब अगर एक मजदूर को भी 1000 रुपया दिया गया और एक इंजीनियर को भी 1000 रुपया दिया गया, तो इंजीनियर को कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि वो कुछ टेक्नोलॉजी बेटर करे या इस तरह का प्रोडक्शन करे जिससे कि कंपनी को लाभ हो। तो वहाँ पर यह आवश्यक है कि उसको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। तो न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करेंगे और जो विशेष रूप से मेरिटोरियस हैं उनको हम विशेष सुविधाएं देंगे, लेकिन चेष्टा हमेशा होगी कि दोनों के गैप को भरा जाए। अर्थात जो विशेष सुविधाएं हैं वो न्यूनतम आवश्यकता जिनको मिल रही है उनको दिया जाए, और उसके बाद तब सोचा जाएगा कि जिनको विशेष सुविधाएं मिल रही थी उनको अब नई सुविधाएं क्या दी जाए। अर्थात कि ये गैप रहने पर भी कोई व्यक्ति अपने को असहाय या अभावग्रस्त नहीं महसूस करेगा। और इस तरह की अगर समाज व्यवस्था हम बनाते हैं जिसमें कि कोई भी आदमी अभावग्रस्त नहीं रहे, विपन्न नहीं रहे, दरिद्र नहीं रहे, तो समाज के भीतर बहुत ही
तनाव को कम किया जा सकता है, अंतर्कलह को कम किया जा सकता है। सभी मिलजुल करके आगे चलने की भावना से प्रेरित रहेंगे और गरीब अमीर की खाई धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। सभी लोग एक मनुष्य, सही मनुष्य होने में ही जीवन का गौरव महसूस करेंगे और इसके लिए जरूरी है कि वो अपने मन को भी इस तरह से बनाए जिससे मन उदार और विशाल हो। यह अत्यावश्यक है। इसके लिए आध्यात्मिकता का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी तरफ भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए गरीबी अमीरी की समस्या को हम सामाजिक तौर पर निपटा सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं और समाज के भीतर जो उसको लेकर जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसका भी निराकरण कर सकते हैं। नमस्कार।